Hi everyone, I hope you all are enjoying your holidays. Now it's a study time, so everyone ready for your class. We already started this chapter, nouns, male or female, chapter number 9. So everybody open the chapter, page number 32. So start from here. This is the last part of this chapter. Match the male with the female. Male के साथ पुलिंग के साथ स्त्रीलिंग जो है उसको हम लोग मैचअप करेंगे. जो हॉर्स है ये मेल है, इसकी जो फीमेल है इसको हम लोग मार बोलते हैं. नेक्स्ट बुल, बुल मेल है, बुल की जो फीमेल है उसको हम लोग काउ बोलते हैं. लायन फीमेल हो गया लायनिस. कॉक फीमेल हो गया पीहेन, सॉरी पीकॉक पीहेन कॉक हेन. ओके नाउ नेक्स्ट पेज. कंप्लीट दिस पेयर्स बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. बॉक्स में जो वर्ड्स दिया गया है इसको पुट अप करके हम लोग कंप्लीट करेंगे. इसके पेयर जो हैं लायनेस वाइफ हेन क्वीन टाइगर. हस्बैंड फीमेल होगा वाइफ. वाइफ एंड हस्बैंड दिस अ पेयर जो ह्यूमन बींग के हस्बैंड वाइफ बोला जाता है मेल फीमेल को. फिर कॉक हेन. हेन जो है आपके बॉक्स में है आप पुट करिए. लायन लायनेस मेल फीमेल. लायन लायनेस जो है लायन हो गया मेल, फीमेल हो गया लायनेस. टाइगर टाइगरेस किंग क्वीन ये सारे आपको आप सारे जान चुके हैं. लेट्स रिवाइज जो मेल ग्रुप है उसके क्या क्या नियम है हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे जान चुके हैं, फिर भी एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे फीमेल में भी. बॉय गर्ल मैन वुमन किंग क्वीन ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर लायन लायनेस. अब सारे बच्चे बहुत अच्छे से इसको रीड करिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है आप सब के लिए. और इंग्लिश तो बहुत अच्छे से, चाहे वो ग्रामर हो रीडर हो, आप सब बहुत अच्छे से रीड करिए. इट्स टाइम टू रीडिंग लिसनिंग राइटिंग. राइट करना है आपको, रीड करना है. रीडिंग मीन्स रीड करना. अब जो अभी आपके हाफ ईयरली हुए हैं बहुत सारे बच्चों को जो कॉपी अभी हम लोग चेक कर रहे हैं, देखिए स्पेलिंग बहुत मिस्टेक है. जो आप पीडीएफ से भी देख के लिख रहे हैं फिर भी आपके स्पेलिंग मिस्टेक है. आपके कैपिटल लेटर कहाँ यूज़ होनी चाहिए ये भी बहुत सारे बच्चों को पता नहीं. सो जब भी मैम आपको जो पीडीएफ सेंड करते हैं उसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए कि कैपिटल लेटर कहाँ यूज़ हो रहा है. जो सेंटेंस के फर्स्ट लेटर होते हैं उसको ऑलवेज हम लोग कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे. और जो सेंटेंस कंप्लीट होते हैं सो फुल स्टॉप यूज़ करते हैं. किसी का नेम होगा स्पेशल सो इट्स अ कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. ये सारे छोटे छोटे बहुत सारे चीज़ इंग्लिश में हैं जो आपको हर रोज सीखनी है. और वो बहुत अच्छे से ध्यान लगा के आप सुनिए सीखिए और पढ़िए. ओके एवरीबॉडी रीड दिस चैप्टर माइनॉर्डली. मैम ने हर रोज कुछ ना कुछ आपको टिप्स देंगे, उसको फॉलो करना है. अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी करेक्ट इंग्लिश हो जाएगा. ओके बाय बाय.